ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। दोस्तों आजकल के जानवर कितने मस्तीखोर हो चुके हैं, उसे जान पाना हमारे बस की तो छोड़िए बल्कि ये उनके बस की भी बात नहीं है। शायद इसीलिए तो जानवर कभी कभार कुछ ऐसे ऐसे अतरंगी कांड कर जाते हैं जिसे देखकर तो भाई हम अपने हंसी को रोक ही नहीं पाते। तो यार आज के इस वीडियो में हम जानवरों के कुछ ऐसे अतरंगी हरकतों को दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी हंस हंस के मस्त हो जाएंगे। तो यार देर किस बात की, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसका टाइटल है फनी एनिमल मोमेंट पार्ट 6। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब भाई मिले इन बिल्लियों से जो इस डॉग के घर में घुसकर जब अपना कब्जा जमा ली तो ये सब देखकर कुत्ता भी परेशान हो गया और जोर जोर से भौंककर इनको भगाने लगा। पर भैया इसके बावजूद भी जब बिल्लियां वहां से नहीं भागी तो भाई साहब कुत्ते ने लगाया ऐसा जुगाड़ जिसे देखकर आप भी हंस पड़ेंगे। ये ताला भाड़ा हम लोग भरते आके ये लोग सोता है रे। ये रात तो गेम बचाना पड़ेगा। अब यार ये तो आप जानते ही होंगे कि गोरिल्लाज को पानी से कितना डर लगता है, जैसा कि इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे एक गोरिल्लाज जब अपने गुफा में जाने वाले ही थे कि तभी अचानक से बरसात होने लगी, इसलिए ये दूसरी तरफ जा ही नहीं पा रहे थे। पर भैया तभी तीसरे गोरिल्ला ने लगाया दिमाग और फिर दीवार से चिपकते हुए निकल लिया, जिसके बाद तो भाई साहब बाकी सब ने क्या किया आप खुद ही देखिए। खूब ठंडा है। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। भाई साहब लास्ट वाले गुरिल्ला की शक्ल देखकर तो मेरी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब भाई इस क्लिप में इस कार वाले ने जब इस शुतुरमुर्ग को मूंगफली दिखाया तो ये देखकर वहाँ भागे भागे चला आया और फिर मूंगफली खाने लगा। पर भैया तभी इस शुतुरमुर्ग को खाते हुए देखकर अचानक वहाँ एक ऐसा जानवर आया जिसे देखकर कार वाले की हालत ही खराब हो गई। भाई साहब भैंस भी सोच रही होगी कि यार जब इसको खाने को दी हो तो मुझको भी दो ना, क्यों सबके सामने मेरा पोपट करवा रहे हो। दोस्तों जानवर की अतरंगी हरकतों में भालू भी किसी से कम नहीं है, जैसा कि इस क्लिप में ये भालू जब चार पैर पर चल चल के बोर हो गए तो भैया इन दोनों ने लगाया जुगाड़ और फिर सड़क पर खड़े होकर घूम घूम कर खाना मांगना शुरू कर दिए। कैसी है? तो मैं भी फ्री खाता हूँ, चलिए लाइए। कितना खा रहा है जाडिया? ओ, सरक सरक उधर। सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए मैडम। मीना जी। भाई साहब भालू भी सोच रहा होगा कि यार जब से हम खड़े होकर चलना शुरू किए हैं तब से तो हमारी लॉटरी लग गई है। अब यार डॉग दिल के अच्छे होने के साथ साथ कितना वफादार होते हैं ये तो हम सभी जानते ही हैं। पर भैया यहाँ पर इस गार्ड की जब तबीयत कुछ खराब हो गई तो इसका पालतू डॉग इसकी जगह पहुंचकर क्या खूब ड्यूटी निभाया, जरा आप भी देखिए। सलाम साहब कर रहा है कि सलाम बेच रहा है? भाई ने 6 महीने तक हर एक आदमी को देखकर सलाम ठोकने की सजा दी है इसको। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरे यार वीडियो को लाइक जरूर करना, आगे और भी मजेदार वीडियो दिखाने वाले हैं। पर हाँ उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप इस वक्त किस गांव, किस शहर या किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा कमेंट में हमें भी बताइए। अब यार बर्थडे मनाना तो आजकल इतना आम हो गया है कि लोग कहीं भी कभी भी बर्थडे मनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये महाशय बर्थडे मनाने के लिए दोस्तों के साथ पहुंच गए जंगल और फिर वहां पहुंच कर ये पत्थर पर ही केक काटने लगे। पर भैया केक कटने के तुरंत बाद क्या हुआ आप खुद ही देखिए। कुछ नहीं बचा। मतलब यार जब बंदरों की टोली में ही पहुँच कर उनको इनवाइट किए बिना केक काटोगे तो भला यही होगा।
अब यार ये तो आप जानते ही हैं कि बिल्लियां शिकार करने में इतना माहिर होती हैं कि छोटे मोटे जानवर और पंछियों को पलक झपकते ही दबोच लेती हैं। पर भैया यहाँ पर ये बिल्ली जब पहुँची इन पंछियों का शिकार करने, तो भई इसके शिकार करने के पहले ही इस पंछी ने इसको ऐसा अनोखा प्रसाद दिया कि बिल्ली वहाँ से कूदते फांदते निकल गई। सेठी ये गरीब छोकरे को भी कुछ दे दो ना। तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। भाई साहब पंछी भी सोच रहा था कि बहुत देर से घूर रहा है बे, ये ले गर्मा गर्म पोटी। अब यार लड़कियों को तो आपने तरह तरह के फैशन करते तो आपने देखा ही होगा, पर भैया मिलिए इस डॉगी से जो आजकल ऐसे ऐसे फैशन को अंजाम दे रही है जिसे देखकर लड़कियां भी शर्मा जाएं। भाई साहब इस डॉगी का फैशन देखकर इंसान तो छोड़िए बाकी के डॉग भी सदमे में हैं कि यार इसने तो कुदरत की रचना को ही बदल डाली। अब भाई मिली इस बालू से जो चुपचाप से जब सो रहा था कि तभी ये पिद्दी सा चूहा पहुँच कर इसके साथ मस्ती करने लगा, जिससे डर कर तो ये एक बार इसको भगा दिया। पर भैया ये चूहा आज कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में था, शायद इसलिए ये दोबारा आया और इसके पिछवाड़े के बाल को काटने लगा। अरे सोने दो भाई, सोने दो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर। मस्त सो जाता हूँ और बाद में उठ के बाजू वाले मुन्ना का गेम बजाता हूँ। क्या भाई? 5 minutes later फिर से आ गए रे बाप। तू जा रे जा, ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय ओके बाय। अब भाई मिली इस मेंढक से जो चुपचाप बैठकर जब धूप सेक रहा था कि तभी ये बंदर आया और इसके साथ मस्ती करने लगा। पर भैया लास्ट में मेंढक ने कुछ ऐसा किया जिससे बंदर वहाँ से चुपचाप खिसक लिया। क्या दोस्त, क्या हाल है? डिजाइन बनवाया है पीठ पर कि कोढ़ी फूटा ले रे? साला कुछ बोलिए नहीं रहा है, बेचारा गूंगा है, नंबर बहुत कम आया है एग्जाम में इसलिए बैठ के इधर रो रहे हैं, समझा? ओहो, दिल छोटा मत कर भाई, पढ़ाई पर ध्यान दे, अगले बार टॉप करेगा। अरे मत रो यार, मेरा खुद 30% से ज्यादा आज तक नहीं आया, तुम्हारा कितना परसेंट आया है जो तू इतना रो रहा है? 90 तेरा बहनी के। हाँ यार कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।